अमित जी, कुछ दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ जिनका सवाल लगातार कॉटन को लेकर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि फिजिकल मार्केट में कॉटन की जो कीमतें हैं काफ़ी अच्छी खासी बनी हुई है। डिमांड और सप्लाई दोनों में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिला है, लेकिन डिमांड ज़्यादा देखने को मिल रही है और उधर से जो चाइना है वो भी अपनी कॉटन की सेलिंग कर रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, कॉटन का बाजार कहाँ तक जाकर रुक सकता है? जी बिल्कुल, देखिए चाइना में एक तरफ से जो कॉस्ट है या इन्फ्लेशन है उसको रिड्यूस करने की मुहिम फिलहाल चल रही है पिछले एक डेढ़ महीनों से, और मुझे लगता है कि कुछ और समय तक वो कॉस्ट कंट्रोल में लगे रहेंगे। तो इसके चलते हम देखेंगे कि काफी सारे मेटल्स या फिर इवन कॉटन फॉर दैट मैटर इस तरह से हल्के से दबाव में रह सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। मुझे नहीं लगता है कि लॉन्गर टर्म बेस पे ज्यादा प्राइस नीचे सस्टेन करेंगी। शॉर्ट टर्म में ये जरूर हो सकता है कि हम 30,200 से 30,300 यानी 1,000 रुपए की और गिरावट देख पाए, जिसके बाद मुझे लगता है कि दोबारा कॉटन में एक तेजी का रुख बनेगा और हम अपसाइड में दोबारा काफी जल्द यानी 1 से 1.25 महीने के अंदर हो सकता है कि 34,000 के स्तर तक दोबारा रिगेन कर लेंगे। जी,